सकते हैं कि यमुनानगर विधानसभा से जीतने के बाद घनश्याम दास अरोड़ा के कार्यकर्ता व समर्थक जो है यहाँ पर पहुँचे हैं, मिठाई और बर्फ़ी खिलाते हुए नज़र आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घनश्याम दास अरोड़ा यमुनानगर के अंदर जो कि भारी जीत, सबसे ज़्यादा यमुनानगर ज़िले के अंदर सबसे ज़्यादा जो जीत दर्ज की है वो घनश्याम दास अरोड़ा ने। हमारे साथ देख सकते हैं कि सभी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाकर जो है उनका अभिनंदन और धन्यवाद करते नज़र आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ घनश्याम दास अरोड़ा जी हैं। सर, सबसे पहले जीत की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या कुछ कहेंगे, कितना टारगेट अचीव किया था लेकिन सबसे ज्यादा जो मार्जिन के साथ पूरे यमुनानगर के अंदर आप जीते हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये जनता का मेरे लिए स्नेह है, प्यार है, आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं। और जो मैंने विकास के काम करवाए हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको जो मैंने विधानसभा में रिप्रेजेंट किया है, प्रश्नों के माध्यम से भी उठाया है, तो लोग समझते हैं कि विधायक ने अपना कर्तव्य पूरा किया है, इसलिए उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। सर, जैसा भाजपा का नारा था नॉन स्टॉप हरियाणा, और इस तरीके से दोबारा से ये नॉन स्टॉप कार्य, जैसा कि आप लोगों ने यमुनानगर के अंदर काफ़ी विकास कार्य कराए, कॉलेज हैं, हाईवेज हैं, तो दोबारा से ये विकास की गंगा इसी तरह बहती रहेगी? बिल्कुल, इससे भी दुगनी गति से बहेगी। तो जितने भी तमाम वोटर्स ने आपको वोट किया उनका धन्यवाद करेंगे, एक बड़ी जीत के साथ आपने दर्ज की? नहीं, मतदाता तो हमेशा हमारे लिए भगवान का स्वरूप होता है और मतदाता ही एक एक वोट डालकर हमें विजय की ओर अग्रसर करता है। मैं मन से सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं, और आपके चैनल के माध्यम से उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं पिछले 10 साल उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरा, इस बार पहले से भी ज़्यादा खरा उतरूंगा। तो आज बहुत खुशी हो रही है, आज बहुत खुशी हो रही है, लोग लगातार आपको मिठाई खिला रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है आज? अतः है कि जीत की खुशी से कोई बड़ी खुशी नहीं है। हरियाणा में सरकार बन रही है, आपको वो शक है? बन गई है। नहीं, कांग्रेसियों का लगातार था कि इस बार बदलाव होगा, हालांकि हुड्डा इज टायर्ड एंड रिटायर्ड नाउ बाय द पब्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देख सकते हैं हमारे साथ यमुनानगर के विधायक हैं घनश्याम दास अरोड़ा जी, और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस वक्त जीत का जश्न मनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और लोग देख सकते हैं किस तरीके से उनको मिलने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर करें। HR71 के लिए यमुनानगर से सरनजीत सिंह।